ये पिक्चर हमारी बहुत अच्छी पिक्चर है और बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है भोजपुरी में। और कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, मतलब जो मसाले होना चाहिए भोजपुरी मूवी के लिए सारे मसाले इसके अंदर हैं। और बहुत सोच समझ के हम लोग बहुत टाइम के बाद अच्छी मूवी बनाए। पिक्चर का टाइटल तो जी। पिक्चर का टाइटल है जय वीरू और ये पहली बार हम हैदराबादी सुपरस्टार और भोजपुरी सुपरस्टार दोनों को लेकर हमने फिल्म बनाया। जैसे भोजपुरी के आपके निरुवा जी है दिनेश लाल यादव और हैदराबाद से सलीम फेक उमस्त अली और दोनों अपनी जगह सुपरस्टार हैं। और इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है हमने और उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया क्योंकि फुल ऑन कॉमेडी एंटरटेनमेंट है। सर कैसे ख्याल आया कि दो सुपरस्टार दोनों अलग अलग स्टेट के, दोनों अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से, ये सोच के बनाया कि देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर दो जगह के दो स्टार मिलते हैं तो दोनों ही अच्छे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। तो अभी कोशिश की है हम लोग, कहाँ तक सक्सेस होगी नहीं होगी वो ऑडियंस के हाथ में है। हम लोग तो कोशिश किए कि जो जय वीरू बनाए हैं, एक का नाम जय है, एक का नाम वीरू है, एक सलीम फेको है, एक दिनेश लाल यादव है। जय कौन है, वीरू जय इसमें वो हैं दिनेश और वीरू जो हैं वो सलीम फेको हैं। सलीम फेको के नाम से बहुत मशहूर हैं वो हैदराबादी मूवीज़ में, अंग्रेज उनकी मूवी आई थी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। दिनेश जी के बारे में क्या बताना है, दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत मेहनती हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जब देखिए दो रीजनल लैंग्वेजेस के सुपरस्टार्स एक जगह आते हैं तो एक नई चीज़ निकल के आती है और ये दो फ्लेवर्स अब भोजपुरी और हैदराबादी का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ऑडियंस को कुछ नई चीज़ मिलेगी और ये एक अलग फ्लेवर रहेगा। डेफिनेटली हमको ये उम्मीद है कि दोनों जगह की ऑडियंस इसको एंजॉय करेगी। और वैसे हैदराबाद में भी हमारे पास करीब 15 लाख के ऊपर बिहारी लोग हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी, उनको भी एक दोनों मिक्स फ्लेवर मिलेगा जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उम्मीद तो हम करते हैं कि वो हो क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दुआ भी करेंगे उनके लिए कि भाई वो विजय हों, क्योंकि अच्छे इंसान है, इसलिए उम्मीद है कि विजय होंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि कामयाब हों वो। देखिए डायरेक्टर हैं इसके सुब्बा राव गोसाई जी, साउथ के डायरेक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी भोजपुरी फिल्में डायरेक्ट की है और नासिर जी का भी इसलिए पहले का जो पिक्चर था जिगर वाला उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, काफ़ी बड़ा हिट रहा है। और बाकी स्टार कास्ट है, पैडिंग के लिए हमने हैदराबाद से आर के मामा हैं जो बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, तबर है अकबर बिन तबर, और भोजपुरी से अमरापली दुबे हैं एज अ हीरोइन, निशा सिंह भी भोजपुरी से ही है हमारे पास एज अ हीरोइन सलीम फेकू के ऑपोजिट, और प्रकाश जैश हैं और बाकी स्टार कास्ट आपके भोजपुरी स्टार कास्ट है क्योंकि उनके, मैं तो सारी पिक्चर उन्हीं के साथ बनाया हूँ ना, अमरपाली के साथ ही है मेरी पूरी पिक्चर, जितनी भी पिक्चर बनाया हूँ मैं अमरपाली के साथ, अमरपाली और दिनेश जी के साथ ही बनाया हूँ। कैसे कहें तो वो जिगर वाला, उसके बाद निरहुआ सटल रहे, निरहुआ चले 100 साल पार्ट टू, और ये तो मैं 3-4 पिक्चर उनके साथ किया हूँ। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग प्लान किया कि उन्हीं के साथ किया जाए काम, क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और दोनों बहुत अच्छे दिखते भी हैं जी। दिनेश जी से चुनाव रैलियां कर रहे हैं, क्या आप दोनों भी जाने वाले हैं? हाँ जाएंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम बात तो रोज ही होती है, डेली होती है, बात तो हमेशा, हम तो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे उनको क्योंकि ना सिर्फ अच्छे दोस्त है, ना सिर्फ हमारे फिल्म में हीरो है, इंसान बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी दिखती है नेता वाली उनमें। हाँ इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली क्वालिटीज़ है उनमें, इंटेलिजेंट है और काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, उम्मीद है कि कुछ करेंगे वो जी। कब तक फिल्म आएगी और ट्रेलर कब तक आएगा? ट्रेलर हमारा 1 वीक के बाद आएगा और पिक्चर जो है 14 जून को, 14 जून को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं जी। म्यूज़िक के बारे में कुछ बताना चाहें तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस पिक्चर का, धनंजय मिश्रा मिश्रा जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और म्यूज़िक सरकार के पब्लिक इन्जॉय करेगी और हम लोग उसको शूट भी उसी तरह से करेंगे, बहुत प्यारा शूट किया उसको, पब्लिक इन्जॉय करेगी उसको। गाने कितने हैं कुछ बताएंगे? गाने 7 गाने हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, एक्शन भी बहुत बढ़िया है, साउथ के एक्शन डायरेक्टर को लिया है हमने, लोकेशंस बहुत बढ़िया है और आप जब फिल्म देखेंगे थिएटर पे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने एक से एक ब्यूटीफुल लोकेशन लिया है हमने,
और ज़्यादातर हैदराबाद में ही शूट किया, थोड़ा पुणे में भी शूट किया। बहुत अच्छे लोकेशन से, बहुत अच्छा फील आएगा, पब्लिक इन्जॉय करके निकलेगी डेफिनेटली। जो हीरो है हैदराबादी, आपके जो सुपरस्टार है, आपको लगता है कि भोजपुरी ऑडियंस उनको प्यार दे पाएगी? उम्मीद पाएगी, क्योंकि अच्छा एक्टर है वो भी, बहुत अच्छा एक्टर है, और अगर दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक वो सुपरस्टार एक ये सुपरस्टार, तो हम लोग कोशिश किए हैं फर्स्ट टाइम कि कुछ अच्छा हो, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारी मूवी बहुत अच्छी बनी है और अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि वो भी देखिए क्या है, जब वो हैदराबाद में एक ऑडियंस एक स्टार को एक्सेप्ट करती है, एक आदमी को एक्सेप्ट करती है, तो हैदराबाद भी हिंदुस्तान का ही एक पार्ट है, तो उसी तरह के से हमको ये उम्मीद है कि वो बिहार में भी एक्सेप्ट की जाएगी, तो उम्मीद है हमको कि वो भी एक्सेप्ट हो जाए और वो भी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, और निरवा जी हमारे हैदराबाद में एस्टैब्लिश हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। और सर आप भी फिल्म में हैं, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मैंने तो एक्चुअली छोटा सा किरदार किया, मैंने वैसे काफ़ी फिल्म साउथ में मैंने करीब 27 फिल्में मैं किए हैं एज अ मेन विलन, बट इसमें मैं छोटा सा किरदार किया क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा था, प्रोडक्शन से टाइम मिलता नहीं था, एक छोटा सा कैरेक्टर किया जी। सर प्रमोशन के लिए क्या क्या करने वाले हैं अभी? प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा प्रमोशन करेंगे, बहुत अच्छी पब्लिसिटी करेंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं पटना जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखेंगे कि क्या क्या करना है, तो प्रमोशन तो करेंगे जी। आगे कोई प्रोजेक्ट्स है दिनेश जी को लेकर या आप? तो हमारे तो मैं जितने भी हैं हर साल एक आते ही आती है हमारी मूवी, तो अगले साल भी रहेगी मूवी दिनेश जी के साथ। हाँ दिनेश जी के साथ। आपको लगता है दिनेश जी आप समय दे पाएंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे, देंगे समय, एक अभी लीडर बन रहे हैं, एक्टर तो पहले से हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्टर लीडर बनता है लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़ता, और एक्टिंग कोई नहीं छोड़ पाता है, वो लीडर तो अमिताभ बच्चन जी किए हैं, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में आए धर्मेंद्र जी किए, सभी किए ना लीडर, लीडर से उसका क्या कंसर्न है, कोई भी लीडर जो है अगर एक्टर है तो लीडर नहीं छोड़ता एक्टिंग, तो मैं उम्मीद करूँगा कि दिनेश जी भी नहीं छोड़ेंगे और करेंगे कंटिन्यू। सर कुछ फिल्म के लिए कहना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और इसको देखिए सर, आप कुछ कहेंगे? यही कि रिक्वेस्ट है कि देखिए इसको, एंजॉय कीजिए, थिएटर आइए, और ट्रेलर तो रिलीज़ हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर में कितना दम है, गाने एंजॉय करेंगे, फाइट्स एंजॉय करेंगे, और कॉमेडी है, काफ़ी एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ आकर देखिए, डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, फैमिली मूवी। थैंक यू सो मच।